कार्यक्रम में गुरुवार आचार्य श्री तुषार आपाद जी से दैनिक राशिफल और अपने दिन को सफल बनाने के सटीक उपायों को तो आप जानेंगे ही, साथ ही कार्यक्रम के विशेष खंड आज का गुरु उपाय में आज जानिए कि अगर कर्ज चढ़ता ही जाता हो और सारा धन कर्ज चुकाने में चला जाता हो तो क्या है जटिल समस्या का सरल उपाय। तो इसी क्रम में आइए गुरु जी से सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ है आज ग्रह नक्षत्रों का वास और क्या है आज के दिन में खास। काली कल्याणकारी आप सभी में स्थित ईश्वरी शक्ति को प्रणाम। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और पूर्वाह्न 9:35 के बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। अपनी ही होरा में सूर्य देव उदय हुए हैं, अतः आज रविवार है। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में है और आज उनका नक्षत्र दोपहर 2 तक विशाखा है। तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। आज भद्रा पूर्वाह्न 9:35 तक है और विकट संकष्टि चतुर्थी व्रत आज है। गुरुजी से अपनी समस्याओं के समाधान और परामर्श के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जब तक आप अपने संदेश भेजते हैं, आइए जान लेते हैं गुरुजी से कि कैसा रहेगा आज का मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का दिन और दिन को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करें जतन। मेष राशि, बहुत दिनों से धन संबंधी जिस कार्य के पीछे आप पड़े हुए थे आज उसके पूरे हो जाने की संभावना है, लेकिन आज दिन भर आपका दिल छोटी छोटी बातों पर डूबता सा हो सकता है। आज के दिन आपको जल का सेवन अधिक करना चाहिए और अधिक मीन मेक करने से बचना चाहिए। आज आपके लिए शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद और शुभ दिशा उत्तर रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम श्रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपकी वाणी में ओज अधिक रहेगा, जिससे आप कई व्यक्तियों को प्रभावित कर अपने कार्य सिद्ध करा सकेंगे। छोटे भाई या छोटे भाई समान किसी व्यक्ति से कुछ समस्या आज आपको हो सकती है। आज के दिन आपको समय से सारे कार्य करने चाहिए। आज आलस करना भाग्य को ठोकर मारने जैसा होगा। आज आपके लिए शुभ अंक 2, रंग लाल और शुभ दिशा दक्षिण रहेगी। आज आपका दिन अच्छे से बीते इसके लिए इस रक्षा कवच को उपाय अपनाएं। अपने दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम क्रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, आज आपको अपने कुछ शत्रुओं से राहत अवश्य मिल जाएगी, अर्थात वे आपसे समझौता कर लेंगे। आज के दिन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आज यदि दिल से कोई अपनी गलती माने तो उसे क्षमा कर दें और आज अपने खान पान में लापरवाही आपको नहीं करनी है। आपके लिए शुभ अंक 7, शुभ रंग समुद्री हरा और दिशा ईशान रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम एंग इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। कर्क सिंह और कन्या राशियों के आज के दिन का हाल और कर्ज मुक्ति का विशेष गुरु उपाय जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनुष्य जीवन में छिपे हैं गूढ़ रहस्य, रहस्यों से जन्म लेती है परेशानी, जो अक्सर मनुष्य को लगती है खाई जैसी गहरी या फिर पर्वत जैसी ऊंची, लेकिन हर परेशानी का है एक सरल उपाय, मानेंगे जब ग्रह नक्षत्रों की राय।
अब मिटेंगे सभी कष्ट, आएगी हर घर में खुशहाली। आ रहा हूं दुखों पर तुषारापात करने, मैं आचार्य तुषारापात धर्म ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम गुरु जी की भविष्यवाणी में। गुरु जी बता रहे हैं कि अब कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के आज के दिन का हाल। कर्क राशि, आज आपको अपने पिता की ओर से या कोई पैतृक संपत्ति या विशेष वस्तु इत्यादि प्राप्त हो सकती है। आज आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है। आज के दिन अपने घर परिवार वालों के संपर्क में रहें, किंतु अपने मन के भय या पीड़ा किसी से शेयर ना करें। आज के लिए आपका शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल और दिशा उत्तर पश्चिम रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें उपाय, यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम लम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आराम का दिन है, इसलिए घर पर रहेंगे। आज स्वास्थ्य की अनदेखी करना अच्छा नहीं रहेगा। आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद में पड़कर अपने आत्मबल को आप नीचा कर सकते हैं, इससे बचें। आज आपके लिए शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला और दिशा पूर्व रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम यम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, आज आप कुछ शायराना सा महसूस करेंगे, कुछ क्रियात्मक कार्य भी करेंगे, पर आज के दिन चरित्र पर लांछन लग सकता है, अतः विपरीत लिंगी आकर्षण से बचें। आज के दिन आपको कहीं घूमने अवश्य जाना चाहिए। आज आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद और शुभ दिशा उत्तर रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अवश्य करिए। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम चम इस मंत्र को 11 बार जपें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। क्या है आज तुला वृश्चिक और धनु राशियों वालों के भाग्य में और कैसे बनाएं वो अपने भाग्य को और बेहतर, बताएंगे गुरु जी। तुला राशि, इतने दिनों से चली आ रही मानसिक अशांति का आज अंत होने जा रहा है। आज आप बहुत अच्छा और हल्का महसूस करेंगे। आज के दिन किसी झूठे व्यक्ति की बातों में आकर आप अपनी धन हानि भी कर सकते हैं। आज के दिन को उत्सव के तौर पर मनाएं और सभी प्रकार की अति से आज बचें। आज के लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग आसमानी और शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को पूरा करें। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम रिम इस मंत्र को 11 बार पढ़कर उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, आज आपका भाग्य चरम पर रहेगा। आज के दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ हो सकता है। आज आप अत्यधिक भावुकता के शिकार भी हो सकते हैं। आज के दिन जितने कार्य आप कर सकते हैं अवश्य करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज कोई भी निर्णय दिल से नहीं दिमाग से करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग चांदी जैसा उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाएं आपके लिए शुभ रहेंगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच को करें। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम श्रीं इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। धनु राशि, आज आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से
छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। किंतु आज व्यर्थ के वैसे आपका धन पानी की तरह बह भी सकता है। आज के दिन आपको घर में ही रहना चाहिए और किसी बड़े व्यक्ति से जिससे आपका कोई कार्य बनना है उससे आज मिलने का कार्यक्रम हो तो उसे कल पर टाल दें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को करें। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम धम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि, आज आपका प्रमोशन या आय में वृद्धि हो सकती है, किंतु कुछ कानूनी समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। आज के दिन आपको अपने पुराने मित्रों से मिलना जुलना चाहिए और किसी कागज इत्यादि को बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। आज के लिए आपके शुभ रंग गेरुआ, शुभ अंक 1 और दिशा आग्नेय रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें उपाय? इस रक्षा कवच को अपनाएं। अपने दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम वयम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि, आज आप नए वस्त्र वाहन आदि का सुख उठाएंगे ही। कार्य क्षेत्र में आपके पीठ पीछे हुई कुछ घटनाएं आज आपके सामने आएंगी जो मन को खराब कर सकती हैं। आज के दिन को आराम से गुजरने दें और किसी महिला द्वारा आपको बताई गई सारी बातें सच हैं ऐसी भूल ना करें। आज शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला और शुभ दिशा उत्तर रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को करें। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम बम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। मीन राशि, आज किसी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन में आप मुख्य व्यक्तियों में रहने का आनंद उठा सकते हैं। वाणी की कठोरता से आपको कुछ लोग आज अहंकारी कह सकते हैं। आज के दिन भगवान के प्रति समर्पित रहें। आज आपको आवेश में आकर कुछ भी बोलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को करें। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम शम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। गुरुजी, आजकल लोन लेना एक मजबूरी सी हो गई है और इसी कारण ये देखा जाता है कि व्यक्ति एक कर्ज से दूसरे कर्ज के जाल में फंसता ही जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि कर्ज के इस माया जाल को आम व्यक्ति काट कर सुखी जीवन बिता सके? कृपया मार्गदर्शन करें। आज के युग में कुछ ऐसी स्थिति ही बन गई है कि सभी को अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं के इतर कुछ भी करने के लिए ऋण के रूप में धन लेना ही पड़ जाता है, जिसे वो धीरे धीरे चुकाने का प्रयास भी करता है, किंतु कई बार उसके लाख प्रयासों के बाद भी कर्ज चुक नहीं पाता। यदि आप मन से ऋण उतारने को पूरी तरह इच्छुक हैं किंतु धन की कमी है, आजीविका कम है, तो ये उपाय करें। थोड़ा समय लगेगा किंतु कर्ज अवश्य उतरने लगेगा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो मन में ये संकल्प लें कि अब आगे कोई भी नया कर्ज नहीं लेंगे, बल्कि ऋण उतार कर मुक्त होंगे। उसके बाद किसी मंगलवार को प्रातः काल में अनंत मूल की जड़, जिसे अंग्रेजी में इंडियन सारसा परिल्ला कहते हैं, को लाल धागे में करके अपने गले में पहन लें और प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 बार हनुमते नमः इस मंत्र का जप तब तक करें जब तक कि ऋण समाप्त नहीं हो जाता। यह उपाय करें और अपनी आजीविका के लिए पूर्ण लगन से परिश्रम करें। काली कृपा से ऋण
अवश्य ही उतर जाएगा। बड़ी और गंभीर समस्या का गुरुजी ने बता दिया है आसान सा उपाय। करिए यह उपाय और सवारी अपना जीवन। और अब जानते हैं गुरुजी से क्या है आज का गुरु वचन। भगवान और अभिमान दोनों परस्पर विलोम हैं। अर्थात यदि भगवान को पाना चाहते हो तो कम से कम उनसे जुड़े कार्यों में तो अभिमान का त्याग कर ही दो। कभी बड़े वचन मत बोलो। अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो अब से यह सब कहने की आदत छोड़ दो कि मैं तो इतने घंटे प्रतिदिन पूजन करता हूँ, या इतनी मालाएं फेरता हूँ, या अमुक मंदिर में इतना दान देता हूँ, इतने गरीबों को भोजन कराता हूँ। ये सारी बातें तुम्हें तुम्हारे अभिमान के समीप ले जाती हैं और भगवान से दूर करती हैं। जय काली कल्याणकारी। इसी के साथ आज की गुरु जी की भविष्यवाणी में यही विराम लेती है। कल फिर 8 बजे आपके सितारों का हाल लेकर गुरु जी आएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे